भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले को कंगारू टीम ने 79 रनों से जीत लिया। इसके साथ ही भारत का छठी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना टूट गया। हार के बाद भारतीय कप्तान उदय सहारन अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। उनके आंखों में साफ तौर पर आंसू देखे जा सकते थे। उनके साथ हार के बाद पूरी भारतीय टीम मायूस नजर आ रही थी, क्योंकि ये जीत बहुत करीब थी पर हाथ नहीं आई। लेकिन कप्तान ज्यादा उदास थे, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और इसके साथ ही 21 विकेट लेने वाले साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज क्वेन मफाका को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। इस पूरी प्रतियोगिता में किसे क्या मिला है और कौन सा खिलाड़ी हाईएस्ट रन स्कोरर रहा, किसे सबसे ज्यादा विकेट मिले, वो सब जानते हैं। भारतीय कप्तान उदय सहारन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 7 मैचों में कुल 397 रन बनाए। 400 रन बनाने के आंकड़े से मात्र वो 3 रन दूर रह गए। उनके बाद भारत के ही बल्लेबाज मुशीर खान इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 7 मैचों में 360 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैरी डिस्कॉन ने 309 रनों की पारी खेली। और इनके अलावा चौथे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यूज विबगे, जिन्होंने 7 मैचों में 304 रन बनाए हैं। उनके अलावा भारत का एक और बल्लेबाज जिसका आइडल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है, और उन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में 303 रन बनाए। इसके अलावा एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के स्मिथ रेड्डी के नाम है, जिन्होंने नेपाल के सामने 125 गेंदों में 147 रन बनाए। वहीं बॉलिंग की बात करें तो क्वेन मफाका ने सबसे ज्यादा 6 मैचों में 21 विकेट चटकाए। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके बाद भारत के सौम्य पांडे सबसे ज्यादा विकेट लेने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 7 मैचों में कुल 18 विकेट झटके। वहीं पाकिस्तान के उबैद शाह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 6 मैचों में 18 विकेट हासिल किए। वहीं चौथे नंबर पर इस लिस्ट में आते हैं इंग्लैंड के ताजिम अली, जिन्होंने 4 मैचों में 14 विकेट हासिल किए। वहीं पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के कैलम विल्डर का नाम आता है, जिन्होंने 6 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए। बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो इंग्लैंड के ताजिम अली ने 1 मैच में 29 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे। ये कारनामा उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ किया था। इसके बाद आज इस प्रतियोगिता का समापन हो चुका है। अंडर 19 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। यह ऑस्ट्रेलिया का चौथा विश्व कप फाइनल जीत है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार अंडर 19 विश्व कप और जीता है, और वहीं भारत 5 बार चैंपियन रह चुकी है। वो उसका नवा विश्व कप फाइनल था। छठी जीत हाथ आते आते रह गई, पर भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और हम सबको खुशी का मौका दिया। इस तरह की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।